नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावली गुप्ता कॉलेज बासन देवघर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है सेकंड समकालीन भारत एवं शिक्षा और यूनिट आपकी फिफ्थ चल रही है शिक्षा में चुनौतियाँ और टॉपिक है मूल्यों का वर्गीकरण, यानी कि मूल्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि मूल्य जीवन मूल्य कितने प्रकार के होते हैं या जीवन मूल्यों को स्थूल रूप में कितने श्रेणियों में बांटा गया। तो जो जीवन मूल्य हैं उन जीवन मूल्यों को स्थूल रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया गया, दो श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि दो भागों में इसको बांटा गया। पहला तो इसका परिवर्तमान मूल्य और सेकंड है शाश्वत मूल्य। परिवर्तमान मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जो बदलते रहते हैं और शाश्वत मूल्य वे होते हैं जो सनातन चले आए हुए रहते हैं, यानी कि हमेशा से चले आए हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए परिवर्तमान मूल्य है तो इन्हें युग धर्म भी कहा जाता है, परिवर्तमान मूल्य को युग धर्म भी कहा जाता है। साथ में युग धर्म के अंतर्गत कुल धर्म आता है, देश धर्म आता है, जाति धर्म आता है, वर्ण धर्म आता है, लिंग धर्म आता है, पुत्र धर्म आता है, पत्नी धर्म आता है, गुरु धर्म आता है आदि अनेक प्रकार के धर्मों या कर्तव्यों का समावेश होता है। कि युग धर्म परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि युग धर्म क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि बदलते रहते हैं। यानी कि परिवर्तमान मूल्य से तात्पर्य यह है कि ऐसे मूल्य जो सदा परिवर्तनशील होते रहते हैं, वे मूल्य जो सदा बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्य से तात्पर्य यह है कि वे मूल्य जो हमेशा सनातन लगातार चले आ रहे हैं या हमेशा बने रहते हैं। शाश्वत मूल्य इन्हें सनातन धर्म कहा जाता है, यानी कि शाश्वत मूल्यों को सनातन धर्म कहा जाता है। तो परिवर्तन मूल्यों को युग धर्म कहा जाता है। इन्हें यानी कि शाश्वत मूल्यों को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन या सामान्य जाति वर्ण अवस्था तथा देश काल आदि में आदि से निरपेक्ष होते हैं, यानी कि जो सनातन मूल्य होते हैं वो सनातन मूल्य सामान्य जाति वर्ण अवस्था देश काल परिस्थिति आदि से निरपेक्ष होते हैं और इनका सभी के द्वारा समान भाव से पालन किया जाता है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा जो शाश्वत मूल्य होते हैं उनका समान भाव से पालन किया जाता है। मन वचन तथा कर्म से सनातन धर्म के पालन करने की एक नागरिक से अपेक्षा की जाती है, यानी कि मन से वचन से और कर्मों से सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सनातन धर्म यानी कि सनातन धर्म का पालन करने के लिए प्रत्येक नागरिक से आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है। और सनातन धर्म शाश्वत होते हैं। सनातन धर्म यानी कि सनातन या सामान्य धर्म जाति वर्ण अवस्था के जो मूल्य होते हैं वो शाश्वत होते हैं, कभी बदलते नहीं है, लगातार एक जैसे चलते रहते हैं, इनमें परिवर्तनशील नहीं होता है। युग धर्म तथा सनातन धर्म में निश्चित विभाजन रेखा खींचना कठिन है। बिल्कुल, युग धर्म और सनातन धर्म में एक जो रेखा खींचना होता है वो कठिन कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों ही शब्द सापेक्ष होते हैं। दोनों ही शब्द क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। ये तो था आपका जीवन मूल्यों का वर्गीकरण। जीवन मूल्य के वर्गीकरण में हमने परिवर्तमान मूल्य पढ़े, शाश्वत मूल्य पढ़े। अब शाश्वत मूल्य के दौरान हम पढ़ेंगे कि कितने मूल्य इसके बताए गए हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।